जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। आप सबको एक प्लेजेंट सी मॉर्निंग, मुझे लगता है आप प्लेजेंट मॉर्निंग के साथ आए होंगे, क्योंकि हमने जब बाहर मौसम की बात करते हैं तो अब सर्दी चूंकि ज़्यादा बढ़ी है और इस प्लेजेंट वेदर के अंदर आपका दिल करता नहीं है कि आप ऑफिस आए, लेकिन फिर भी आपको आना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मज़ेदार काम भी लगता है, क्योंकि सुबह सुबह जब आप उठ जाए ना तो उसके पास आपके पास इतना ज़्यादा दिन होता है कि आप अपने सारे काम भी आराम तसल्ली के साथ समेट सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो लोग थोड़े लेट उठते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि दिन बड़ी जल्दी गुजर गया, और मुझे पता है कि मेरा दिन बहुत सुकून से बहुत इत्मीनान से गुजरता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। यहाँ से फ्री होने के बाद बहुत सारे काम करते हैं, तो जो अर्ली राइजेज होते हैं उनके लिए बड़ी प्लस पॉइंट होता है कि उनके पास दिन बड़ी फुर्सत का होता है और फिर उसके बाद अपने ज़्यादातर काम उसमें सर अंजाम दे सकते हैं। जनाब, हमने तो आपके लिए रिसर्च लेकर आनी होती है, दिन का आगाज़ अच्छा करना होता है, और आज कुछ इंटरेस्टिंग सी रिसर्च है जनाब, एक फेस्टिवल के हवाले से बताएंगे। और ये फेस्टिवल हुआ जनाब बेल्जियम में, जहां पर मट्टी से बने शानदार और दिलचस्प मुजस्मे जो हैं वो देखने वालों की तवज्जो का मरकज बने रहे। ये मुजस्मे जो जनाब बनाए गए, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और सबसे बड़े जो कहा जाए मट्टी से बने मुजस्मों के 12वां ये सालाना मेला होता है जनाब, और ये 12th इनका फेस्टिवल था, और मुख्तलिफ ममालिक के लोग इसमें शरीक हुए, जिसमें कनाडा, स्पेन, इटली, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया समेत जो है दीगर मुल्क भी इसमें शामिल हुए। 5 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद 7,000 टन जो मट्टी है उसको इस्तेमाल करते हुए 150 शानदार मुजस्मे तैयार कर लिए गए। अच्छा जनाब, इसका जो थीम था बेसिकली वो डिज्नीलैंड पेरिस जो है ये उस मैजिक के हवाले से उन्होंने इसको थीम को रखा, और उसके बाद जो जितने भी यहाँ पर मुजस्मे बनाए गए वो डिज्नीलैंड के फॉर्मेट पे बनाए गए, और लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए थे क्योंकि जो डिज्नीलैंड के फैंस होते हैं उनके लिए ये कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं और बड़े वो तवज्जो वाले होते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ होती है, तो लिहाजा इसमें कई दीगर किरदारों के साथ साथ अदाकारों के मुजस्मे भी बनाए गए। और 10,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर फैली मट्टी के मुजस्मों की ये नुमाइश 3 माह तक जारी रहेगी, और इस दौरान हजारों अफराद भी यहाँ पर आते हैं। हर साल फेस्टिवल होता है, और इस तरह मैं पहले भी आपसे एक बार शो कर चुकी कि दुनिया भर में टूरिज्म के हवाले से या फेस्टिवल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है चंद ममालिक को, उनमें ये बेल्जियम भी है। और चूंकि हम जर्मनी की बात करें, स्कॉटलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, यहाँ सब पर कुछ ना कुछ ऐसे फेस्टिवल, चाइना में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो इससे उनकी टूरिज्म को भी बहुत जो एक प्रमोशन मिलती है, और साथ साथ वो लोगों जो मकामी लोग हैं उनके लिए भी एक फेस्टिविटी का मौका मिल जाता है उन्हें, तो डेफिनेटली ये भी फेस्टिवल है। तो बेल्जियम में आप अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन वैसे सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लेकिन लाइव एक्सपीरियंस का एक डिफरेंट चार्म होता है। तो जनाब, ये तो थी पहली हमारी रिसर्च, और एक बड़े मज़ेदार रिसर्च, ये बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाली है। हम कहते हैं जनाब नींद ही पूरी हुई सुबह ऑफिस जाने, और ऑफिस में आप डेफिनेटली नहीं सो सकते, आपके पास कोई ऐसी जो होती है फैसिलिटी नहीं होती। लेकिन जनाब जापान ने जो जापान की बात की जाए तो उसका शुमार जो होता है दुनिया के तवील तरीन औकात रखने वाले मुल्कों में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। लेकिन जो जापानी गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया तरीका सोचा है, और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी ये बनाई है कि जनाब ये मंसूब एक कंपनी है जिसका नाम है क्रेजी, उसने अपनी जो मुलाजमीन है उनकी नींद पूरी करने के लिए, कमी से बचाने के लिए, बल्कि उनके मुआवजे का अनोखा जो एक मंसूबा है वो तैयार किया। अब ये मुआवजे का अनोखा जो मंसूबा है ये बेसिकली है क्या, आप रात भर की नींद गई जो पूरी की गई नींद है उसको घंटों की बुनियाद पर उसमें पॉइंट्स दिए जाएंगे। इस मंसूबे के लिए एक जो है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कंपनी है उनसे भी मदद ली गई है, और इस मुआवजे के अहल से वो मुलाजमीन होंगे जो एक ऐप है उसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करेंगे, और उस ऐप को जब आप रात को सोने लगेंगे तो आप उस ऐप को ऑन करेंगे, इसमें वो आपकी टाइमिंग, आपकी नींद की जितना आप गहरी नींद सोए हैं और सारी चीज़ों को करके तो आपके पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, और जब आपको आपके 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके सूरत में आपको जो है 100 जो यहाँ की करेंसी है येन उसके आपको वो मिलेंगे, और वो आप अपनी ऑफिस में कैफेटेरिया या किसी भी जगह पर उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे, और मैक्सिमम जो है बल्कि मिनिमम आपको जो 6 घंटे की नींद पूरी करना ज़रूरी है, और जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होगी फिर डेफिनेटली उनको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये एक बड़ा अनोखा स्ट्रैटेजी है इस कंपनी की जानिब से कि डेफिनेटली लोगों की नींद पूरी नहीं होती, लेकिन हमारा नींद पूरी नहीं होती फिर भी हमने ऑफिस में जाना। उन्होंने ये सोचा कि ऑफिसेज में आप अगर नहीं नींद पूरी कर पाते और आप सुबह लेथार्जिक रहेंगे
तो आप रात को अपनी नींद पूरी करें, इसके बदले आपको मुआवजा मिलेगा। तो जनाब डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग सी बात थी जो आपके साथ शेयर कीजिए। इसको वैसे अभी टेस्ट जो कह लें इकरान पर लगाया गया, अभी बहुत सारी इसमें चेंजेस भी आएंगी ये कहा जा रहा है, और इससे जो मुलाजमीन की सेहत है उसमें भी बेहतरी नजर आएगी। आज जनाब हम जो बात करने वाले हैं थोड़े से हमारे जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, हमेशा की तरह हम इंटरेस्टिंग टॉपिक और उसको इन्फॉर्मेशन के साथ लेकर आते हैं। आप कोशिश ये करेंगे कि आज हम बात करें उस बात चीज़ों पे कि हमारी नौजवान नस्ल की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, इवन बड़ों की बात की जाए, अदम बर्दाश्त, गुस्सा, वॉयलेंस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करें, इतनी जो हमारी लाइफ तेज़ हो गई है, फास्ट हो गई है, कि हमें अब लोगों की छोटी सी बात सुनने के लिए भी बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर, और उस बर्दाश्त की वजह से हम फौरन गुस्से में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो क्या वजूहत है कि इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग गया, वॉयलेंस की तरफ जाना शुरू हो गए? इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगी, डॉक्टर उज़्मा सदाकत, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर उज़्मा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी है डॉक्टर उज़्मा, आपको गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है, गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है जो कि हर शख्स को ही आता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप उसे चैनलाइज कैसे करते हैं। ठीक हो गया, हम चैनलाइज नहीं करते हैं गुस्से को, और गुस्सा होने की कई वजूहत हैं। हम सिर्फ यंग जनरेशन की नहीं, हम हर स्टेज की बात करें तो हर एक में गुस्सा बहुत ज्यादा है। ऐसा ही है, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। कि जीन्स के थ्रू जो है ये एंगर हमारा जो है वो ट्रांसफर होता है। अच्छा। है जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, चेहरा, ये जैसे उसके खदोहाल जो है ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, उसी तरह बहुत सारे हमारे ऐसे बिहेवियर्स हैं या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, गुस्सा उनमें से एक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नफसियाती मसाइल हैं जिसमें गुस्सा जरूर पाया जाता है। अगर कोई शख्स उन नफसियाती मसाइल में से गुजर रहा है तो वो गुस्से को जरूर एक्सपीरियंस करेगा। इसके अलावा फैमिली वैल्यूज क्या हैं, क्या फैमिली के अंदर बातचीत जब की जाती है तो अच्छे अंदाज से की जाती है, रिस्पेक्ट मेंटेन की जाती है, या डीह्यूमनाइज किया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, या फिर उल्लू के पट्टे, गधे, जिंदा लाशें, ऐसे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। सो बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों से ये तमाम चीजें जब उन्हें करते हुए देखते हैं तो उसी तरीके से वो इन चीजों को करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा पीयर हमारे जो हैं उनके साथ रिलेशनशिप हमारा कैसा है, क्या फ्रेंड्स के साथ हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, फ्रेंड ज्यादा लड़ने वाले हैं तो हमारे अंदर भी वॉयलेंस या गुस्सा जो है वो नजर आने की तरफ आएगा। इसके अलावा कल्चर, हमारा कल्चर क्या इजाजतें देता है, क्या हमारा कल्चर, अगर कोई माँ अपने बच्चे को मार रही है तो वो कहते हैं कि ये इसकी इसलाह कर रही है, अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी पे हाथ उठाता है तो ये इसलाह नहीं है, ये तशद्दुद है। सो किसी का भी मारना, किसी पे हाथ उठाना, किसी के साथ गालम गलोच करना, किसी को डीह्यूमनाइज करना, किसी को बुरी बुरी बातें बोलना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये काबिले बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें जब एक्सेप्ट की जाती हैं तो फिर लोग जनरली उसको एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हैं। अच्छा डॉक्टर उज़्मा, अभी आपने कहा एक जेनेटिक रीजन है, एक हमारा पीयर प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, घर का माहौल बहुत मैटर करता है, तो आजकल जो एग्रेशन या वायलेंस बनने की वजह, इसमें सारे फैक्टर्स तो इंक्लूड है, सबसे मेजर एक चीज़ जो हम इसको डिस्कस कर सके उसमें हम क्या बात करेंगे? उसमें फैमिली वैल्यूज हैं, फैमिली बॉन्डिंग कैसी है, क्या फैमिली सिखाती है, इसके अलावा हमारा कल्चर जो है उसके अंदर क्या चीजें नजर आती हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली टीवी के थ्रू हम क्या देख रहे हैं, अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, टीवी के ऊपर जो कार्टून मूवीज हैं या दूसरी मूवीज हैं उसके अंदर जितना अग्रेशन या वॉयलेंस बच्चे देखेंगे तो बच्चे वही चीजें जो हैं वो एक्सपेरिमेंट जरूर करने की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें हमने भी वैल्यूज की बात की, क्योंकि हमारी फैमिली सेटअप में नॉर्मली हमारे यहाँ वो एक देसी कल्चर है, बच्चे को समझाने का भी, इसलाह का भी, जैसे हमने कहा कि अगर बच्चे को माँ मारी है तो डेफिनेटली वो उसकी इसलाह करी है। ये चीजें अब टाइम के साथ साथ भी बदल रही है, बच्चों का टेम्परामेंट भी चेंज हो रहा है, अब आप बच्चे को जिस तरह से हम समझ जाते थे आज का बच्चा वो उस तरह से नहीं समझता। एक्चुअली इसमें काफी ज्यादा रोल जो है वो एजुकेशन और सोशल मीडिया का है, कि बच्चों को उनके राइट्स पता चल गए हैं, कि उनकी भी कोई इज्जत होती है, और उनके साथ जो मार पिटाई का रवैया है ये कोई दुरुस्त रवैया नहीं है, और जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे पेरेंट्स मार पिटाई नहीं कर सकते, अगर पेरेंट्स मार पिटाई करेंगे तो बच्चे टेलीफोन कर सकते हैं पुलिस को और पुलिस आके उनके पेरेंट्स से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को ये जरूर पता चल गया है कि हमारी इज्जत है, लेकिन पेरेंट्स अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बच्चों की भी कोई इज्जत होती है। वो कहते हैं कि बच्चों को क्या है, जब हम छोटे होते थे हमारे अब्बा हमें मार लेते थे, हम तो उफ तक नहीं करते थे, आज आप अपने बच्चों को दो घूरियां डालें वो आगे से आपको
جوابی طور پہ گھوری ڈالے گا کیونکہ یہ تمام چیزیں وہ موویز ڈراموں کے اندر دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح شخص برا سلوک کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ کر سکتا ہوں ریگارڈ لیس میرا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے. سو ہمیں اپنے اندر چیزیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی کہ بچوں کے ساتھ عزت احترام کرنا پڑے گا. احترام ہر شخص کا ہمارے اوپر واجب ہے, چاہے ہمارے اس سے لاکھ اختلافات ہوں, چاہے وہ عمر میں ہم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. رسپیکٹ ایک برتھ رائٹ ہے. اگر ہم کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے اپنے نظریات کی وجہ سے یا اپنے اختلافات کی وجہ سے تو بیسیکلی ہم اس کا برتھ رائٹ وائلیٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ میں بہت عظیم شخص ہوں, فلاں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا لیکن میں نے پھر بھی اس کی عزت کی, میں نے ایکچولی پھر اس کا جو برتھ رائٹ تھا وہ ہی اس کو دیا. اچھا, جب کوئی ہمارا لو ون بھی ہوتا ہے تو پھر محبت بھی ہمارے اوپر فرض ہے. ہمارا بچہ ہے, بیوی ہے, بھائی ہے, بہن ہے, پیرنٹ ہیں, تو محبت بھی ہمارے اوپر فرض ہے. سو آپ محبت ضرور کریں, رسپیکٹ ضرور کریں, لیکن پھر بچوں کی جب ہم بات کریں تو ہم نیڈز اور وانٹس میں ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں کہ ہم ان کی وانٹس پوری نہیں کرتے جب تک وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے, لیکن ہم انہیں شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں, ہم انہیں کھانا پرووائڈ کرتے ہیں, ہم انہیں جو بھی ضروریات زندگی کی ہیں وہ صرف پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی گیجٹ لے کر دیں, مجھے کوئی گفٹ لے کر دیں, مجھے فلاں چیز لے کر دیں, تو آپ پھر کہتے ہیں کہ پہلے آپ ڈسپلن کو بہتر کریں تو پھر ہم یہ چیزیں آپ کو لے کر دیں گے. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ, ابھی آپ نے بات کی کہ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیسک نیسیسٹی دے دی, کھانا دے دیا, ایجوکیشن دے دی, لیکن جو افیکشن اور پیار ہوتا ہے وہ بھی بہت ساری چیزوں کو بہتر کر دیتا ہے. یہ انکنڈیشنل آپ نے دینا ہے انہیں, یعنی بچوں کے اندر ایک اٹیچمنٹ کی انہیں ضرورت ہوتی ہے جب آپ ان کا بہیویئر فارم کر رہے ہیں. بڑوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن بچوں سے ہی وہ تمام چیزیں ڈیولپ ہوتے ہوتے ہم بڑے سیکھتے ہیں. ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ عام طور پہ کسی بھی بچے کے اندر ایمپتھی کو انکریج کرنے کے لیے پانچ لوگوں کا رول ہوتا ہے اس کے اندر, جس میں پیرنٹس ہیں, جس میں گرینڈ پیرنٹس ہیں, آنٹس ہیں, انکلز ہیں, ٹیچرز ہیں, فیملی فرینڈز ہیں. اگر وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اچھے انسان ہیں اور ان کے رویوں میں بہتری ہے یا وہ یہ فلاں کام بہت اچھا کر لیتے ہیں, تو یہ ان کے اندر ایک سینس آف جو سیلف اسٹیم ان کی بہتر کرتا ہے. اگر وہ انہیں حق کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, تو یہ ان کے اندر ایک سینس آف اٹیچمنٹ ڈیولپ کرتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اچھے انسان ہیں, یہ دنیا اچھی جگہ ہے, سیف ہے, لوگ جو ان کے ارد گرد بسنے والے ہیں وہ ان کی کیئر کرتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ انوالو کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہی بچوں کو جب پیرنٹس انوالو نہیں کرتے, انہیں سینس آف اٹیچمنٹ نہیں دیتے, انہیں ابینڈن کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں اور انہیں پنش کرتے ہیں بات بات کے اوپر یا ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو یہ وہ بچے ہیں جو پھر اپنے آپ کو نگلیکٹڈ تصور کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ دنیا بالکل اچھی جگہ نہیں ہے, یہ ان سمپتھیٹک ورلڈ ہے, ان کیئر فل ہے, اور وہ بڑے ہو کر پھر ان کے اندر اگریشن یا وائلنس جو ہے جنم لینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں سائیکولوجیکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وائلنس اور اگریشن بہت زیادہ ہے, وہ کیا ہے؟ سائکیٹرک ڈسارڈرز کی میں بات کروں گی خاص طور پہ, جس میں موڈ ڈسارڈرز ہو سکتے ہیں, جس میں پیشنٹ کا موڈ تھوڑی دیر میں بہت اچھا اور تھوڑی دیر میں بہت خراب ہونے کی طرف آئے گا, بائی پولر جس کو ہم بولتے ہیں. اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈسارڈرز ہو سکتے ہیں, جس میں خاص طور پہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈسارڈر ہے, اس کے اندر آپ کو اگریشن کافی زیادہ نظر آئے گا. سو جہاں پہ بھی بلا وجہ اگریشن ہے, جہاں پہ فرض کریں آپ نے بچے کو بڑی اچھے طریقے سے گرو کیا, وہ ٹین ایجر ہے, لیکن بلا وجہ اگریشن ہے, بات بات پہ وہ لڑتا جھگڑتا ہے, گھر کے اندر کوئی لڑائی والا ماحول نہیں, لیکن اس کے اندر آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ دوسرے فیملی ممبرز میں نظر نہیں آتی, تو پھر آپ کے کان ضرور کھڑے ہونے چاہیے کہ یہ کوئی نارمل بہیویئر نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. سو اس کے لیے آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جا کر اس سے مشورہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھیں جو کہ آپ کو نارمل نہیں لگتی, کامن نہیں لگتی, ریگولر بنیادوں کے اوپر اس کے اندر اگر ایگزسٹ کرتی ہے, تو دین آپ کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور کرنے کی. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ابھی ہم کہیں گے بچوں کے اندر کوئی چیزیں ایسی دیکھیں, لیکن نارملی پیرنٹس اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عادت ہے یا اس کو شوق ہے ویسے ہی لڑنے جھگڑنے کا, یا جان کر کرتا ہے, ٹینشن سیک کرتا ہے, اس طرح کی بہت ساری. اچھا, ارد گرد ہمارے لوگ جو بستے ہیں وہ بھی ہمیں یہ میسیجز دیتے ہیں کہ بچہ ہے, بڑا ہوگا, ٹھیک ہو جائے گا. اور جب بھی بچے ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں,
पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करते हैं तो ज्यादातर दूसरे वालदेन जो है वो बच्चों का साथ देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अच्छा वो कह रहा था कि मुझे फलां चीज ले दें तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो तुम लेकर क्यों नहीं दे देते हो, तुम इसको लेकर दे दो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और देखो ये अब बड़ा हो रहा है सो ये ऐसा करेगा तो जब बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जबकि हमेशा याद रखना चाहिए कि जो चीज आज खराब है वो वक्त के साथ साथ ज्यादा खराब होती जाएगी, वो कभी खुद ब खुद ठीक नहीं होगी। हमेशा ठीक करने के लिए आपको उसकी जिंदगी में पॉजिटिवली इंटरवीन करना पड़ता है, तब चीजें जाकर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हैं अगर आप काम करते हैं। डॉक्टर उस्मा, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स या कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है? डेफिनेटली आपने अपना जो चीजें हैं उसको वॉयलेंस की तरफ नहीं लेके जाना, वर्स्ट की तरफ लेके नहीं जाना हमारे देखने वालों को। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने खाने पीने का ख्याल रखें। हम जो खा रहे होते हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे स्ट्रेस लेवल के साथ होता है, और बहुत सारी चीजें जैसे टीनएजर्स के अंदर हमें इसीलिए अग्रेशन ज्यादा नजर आता है बिकॉज वो ज्यादा जंक फूड खाते हैं, वो फिजी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो इन तमाम ड्रिंक्स की बजाय जो नेचुरल वाटर है एक तो वो ज्यादा कंज्यूम करने की तरफ जाएं, जूसेस हैं वो ज्यादा कंज्यूम करने की तरफ जाएं, और खाना पीना अपना जो है वो हेल्दी रखें, क्लीन ईटिंग रखें जिसमें फ्राइड चीजें कम हो, जिसमें मटन और जो बीफ है वो कम हो, फिश और मछली का ज्यादा इस्तेमाल करें, वेजीज का ज्यादा इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, इसके अलावा ग्रेन्स का ज्यादा इस्तेमाल करें। देन वॉक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हिस्टोरिकली हमें काफी फिजिकल एक्टिविटी की आदत थी क्योंकि इंसान सुबह जब उठता था तो उसको ये पता नहीं होता था आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो सारा दिन खाने की तलाश में दर बदर घूमता था। इसके अलावा उसको सबसे बड़ा खौफ ये होता था कि कोई जानवर उसको अपना शिकार ना बना ले, या कोई तगड़ा बंदा जो उससे ज्यादा तगड़ा है वजन में उसके स्ट्रेंथ में तो वो उसको अपना शिकार ना बना ले। सो ये दो अहम काम थे जो कि इंसान के पास थे। तब तालीम कोई नहीं थी, तब सिविलाइजेशन नहीं थी, सो लोग जो हैं वो चलते फिरते बहुत ज्यादा थे। आज हम जब सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रहते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे लोगों ने अगर वॉक करने जाना होता है तो वो भी गाड़ी के ऊपर ही बैठ के उन्होंने वॉक करने जाना होता है, और वहां पे दोस्तों से गपशप लगा के गाड़ी पे बैठे तो वापस आ गए। सो फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें, जिसमें एक छोटी सी टिप अगर मैं दूंगी कि अगर आप आवरली 250 स्टेप्स करते हैं जो कि 2.5 मिनट की वॉक बनती है, अच्छा। और तकरीबन 10-12 घंटे जितना भी आप जाग रहे हैं आप आवरली 250 स्टेप करें तो ये भी आपके अंदर काफी फिजिकल एक्टिविटी का रुझान पैदा करती है। इससे एक्सर्शन भी आपकी जो गुस्सा है उसका कुछ और किसी और साइड पे किसी आपको फिजिकल एक्टिविटी की आदत डलती है, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होती है, और फिर वॉक को अपनी जिंदगी का रेगुलर हिस्सा बनाने की तरफ जाएं। वॉक अगर है तो इसका मतलब है कि आपका जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो रही है और आपके अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा हो रहे हैं जो आपके मूड को अच्छा खुशगवार रखने की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अपने बिलीव्स पे भी काम करते रहें। बहुत सारे हमारे बिलीव्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए काम नहीं करते या हमारे अंदर वॉयलेंस क्रिएट करते हैं या गुस्सा क्रिएट करते हैं, और हमें अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस बनाने की जरूरत है। जैसे हमें सोचना चाहिए कि क्या मैंने कभी ये इरादा किया है कि मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, क्या मैंने कभी ये इरादा किया है कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, क्या मैंने ये इरादा किया है कि मैं किसी को बुरे वर्ड्स से नहीं बुलाऊंगा, जो भी मेरे इख्तलाफ होंगे लेकिन मैं किसी के लिए बुरे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करूंगा। सो ये तमाम चीजें जो हैं ये अगर हम अपने लिए खुद तय कर लें किसी दिन बैठ के ठंडे दिमाग के साथ तो ये हमें काफी फायदा जिंदगी में दे सकती हैं। इसके अलावा टीनेजर्स के अंदर खासतौर पे ये रुझान है और बड़े लोगों में भी कि वो चीजें उठा के बड़ी फेंकते हैं, गुस्सा आ जाए रिमोट हाथ में है रिमोट फेंक दिया, सेलफोन है तो वो फेंक दिया। सो इन चीजों को भी अपने जहन में रखने की जरूरत है कि ये भी इरादा बनाएं कि मैंने कोई चीज उठा के नहीं फेंकनी, मैंने ठोककर किसी दरवाजे को नहीं मारनी, किसी टेबल को मैंने ठोककर नहीं मारनी, किसी और तरीके से भी हो सकता है, किसी और अंदाज में हो सकता है, इस तरह से यानी एनर्जी को मैंने चैनलाइज करना है लेकिन ये तमाम चीजें नहीं करनी। पेरेंट्स को मैं ये कहूंगी कि बच्चों को जब भी कोई मूवीज या ड्रामास देखने की इजाजत दें तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, क्या इसके अंदर लड़ाई झगड़ा तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्या इसके अंदर वायलेंस तो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर है तो बच्चों को वो चीजें ना दिखाएं। रिसर्च ये बताती है कि जब भी जो लोग वायलेंस बहुत ज्यादा देखते हैं तो इसके बाद उनके ब्रेन के अंदर वही चेंजेस आती हैं उन लोगों की तरह जो कि एक्चुअली वायलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं या लोगों पे अटैक कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। गुस्सा ये सारी चीजें हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, इस पे कंट्रोल करने की चंद टिप्स हमने आपको बताई। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।